प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ए 12 ओम रजिस्टर एंड एन इंडक्टेंस ऑफ 0.05 अपॉन पाई आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द एंड ऑफ दिस सर्किट। कनेक्टेड ए 130 वोल्ट एसी सप्लाई ऑफ 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट एंड सेकंड फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। तो गिवन चीज लिख लेते हैं, रजिस्टेंस है हमारे पास 12 ओम और इंडक्टेंस है 0.05 अपॉन पाई हेनरी, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और ईएमएफ दे रखा है हमें 30 वोल्ट। तो एक्सएल निकाल लेते हैं पहले। एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, और ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ और इनटू एल। एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ की जगह हम 50 हर्ट्ज दिया है हमें, एल 0.05 अपॉन पाई, ये पाई से पाई कट जाएगा। एक्सएल इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5 ओम। और जेड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आर हमें दिया है 12 ओम, 12 ओम स्क्वायर प्लस एक्सएल क्या है हमारा 5 ओम, 5 का स्क्वायर, जेड स्क्वायर, जेड इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 144 प्लस 25 इक्वल टू 169, ये हमारा होता है 13। ये भी जेड हमारा क्या है, रेजिस्टेंस इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस ये है ओम, इसकी यूनिट हो जाएगी। अब इसमें बोला है हमें, पहले उसमें देखो द निकालना है हमें द करंट इन द सर्किट, करंट। तो करंट का फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन जेड। हमने जेड निकाल लिया है, वी आर एम एस हमें दे रखा है 130 वोल्ट और जेड आ रहा है हमारा 13 और इससे कटेगा इक्वल टू 10 एम्पेयर। और सेकंड बोला इसमें फेस निकालना, फेस डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। तो फेस निकालने का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं 10 फाई इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सएल, हमारे पास हमने निकाला था 5 अपॉन 12 और फाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स 5 अपॉन 12, ये हमारा फेज डिफरेंस है, यही हमारा आंसर है।